विष्णु महेशा यो मुरली मनोहर में जय किया जय हुने लो आ हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरी माता होती है ब्रह्मचारिणी माता। तो आज मैंने उनके लिए पहन लिया है, उनको खुश करने के लिए पहन लिया है ग्रीन कलर। और देखिए, मैंने ये फौले दिए हुए थे झलाने के लिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जब ये आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने साफ़ हुए हैं। तो ये तो बहुत ही साफ़ होकर आ गए हैं, देखिए अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो ये तो हैं तांबे के, और देखिए मैंने एक में ये डाल दिया है और बिल्कुल नए जैसे होके आ गए हैं मेरे फौले। और इसमें भी मैं ये डाल दूंगी। थोड़ा सा तांबे के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तांबा ऐसी धातु है जिसका पानी पीकर आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारा बर्तन जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए अंदर से भी। जैसे काला काला हो जाता है तो उस फौले का पानी हमको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तभी पानी पीना चाहिए तांबे के बर्तन से। और साथ में तो हमें तांबे के बर्तन का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बरसात होती है तो उसमें नमी के संपर्क में आके इसमें एक पॉइजन बन जाता है मिलके, जो सफ़ेद सफ़ेद और काला काला सा होता है। तो अगर हम रोज़ साफ़ करके पीते हैं तब तो ठीक है बर्तन को, अगर ऐसे ही पीते हैं तो फिर नहीं पीना चाहिए। जाड़े और गर्मियों में हमको तांबे के बर्तन का यूज़ करना चाहिए, बरसात में हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं इसमें भी लगा देती हूँ। तो कल हमारे वहाँ बहुत सारे जुलूस निकले थे नए साल के लिए, तो बहुत से लोग आए थे। तो चलो, मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग करी है। कल का ब्लॉग मेरा पहले ही बड़ा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखाऊंगी मैं आपको। तो आप देखिए कि हमारी सांस्कृतिक नगरी में तो रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो हम लोग तो खूब मज़े करते हैं यहाँ पर। तो आप भी मज़े लीजिए, देखिए मेरा ब्लॉग। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हिंदू सेवा समिति द्वारा एक सांस्कृतिक जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे लोक कलाकार आए हुए हैं। और देखिए उन्होंने कितने सुंदर परिधान पहने हैं। हमारा ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस पहना हुआ है, नाक में नथुली पहनी है, गलोबंद पहने हैं, और लड़के भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज ये अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे उस जुलूस में। जी, ये हमारा लोक वाद्य यंत्र हुड़का है और इसकी बड़ी महानता है। ये भोलेनाथ का डमरू के नाम से इसको पुकारा जाता है, और गढ़वाल क्षेत्र में ये डंगोर के नाम से वहाँ जागर लगती है, और हमारे कुमाऊँ में हुड़क में जागर लगती है, गंगनाथ की जागर लगती है, गोलू की जागर, देवी मैया की जागर लगती है, और लगभग सभी तालों में ये वाद्य यंत्र बजता है। और कहे तो मोहन उप्रति जी द्वारा इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस हुड़के को बड़ी नाम दिया गया, पहचान दिलाएगी। मोहन उप्रति जी, उदय शंकर जी के साथ में जिन्होंने काम किया है, विजय लाल शाह जी के सनदी में जिन्होंने काम किया, मोहन उप्रति जी हमारे ऐसे प्रख्यात लोक कलाकार और लोक गायक रहे, उन्होंने हुड़के के थाप से कई लोक गीतों का आगे बढ़वाया। वैसे ही आपके हमारे श्रद्धा अनपढ़ हैं, गिरीश तिवारी गिरदा हैं, कई कलाकारों ने इस पे अपना थाप पे अपना कई लोक गीतों को दिया, तो ये अलग अलग तालों में बजता है। विशेषकर हमारे यहाँ चैती के जो झोड़े होते हैं, चैती झोड़ा में इसका वादन होता है झोड़ों में, क्योंकि जब आज से करीब 40 साल पहले 50 साल पहले होता क्या था कि लोगों के पास ऐसे मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, हजारों घरों में एक टीवी हुआ करता था और कोई संसाधन नहीं थे। तो एक लोक वाद्य यंत्र काम करने के बाद हमारे हुड़किया बॉल इसी से होता है। जैसे हमारे गाँव में जब काम करती हैं तो बहुत से लोग क्या करते थे, जब रोपाई, हाँ, जब काम रुक जाता था, जैसे होता, जैसे बड़ा परिवार है, संयुक्त तो परिवार है, उसका काम तो निकल जाता था, परिवार में ज़्यादा सदस्य होते थे, जिसके सदस्य कम है वो बेचारे का काम रुक जाता था। तो जो रोपार है, रोपाई करने वाली जो महिलाएं हमारी कृषक हैं, उन कृषकों के उत्साह बढ़ाने के लिए बॉल डमोल गाया जाता था, उनका ध्यान उस पर केंद्रित रहे और एक सुर में एक ताल में काम करें और 100 दिन का काम भी करें, हाँ, काम करने का पता न चले और उनका बोझ न लगे। तो 100 दिन का काम एक दिन में हो जाता था, चाहे हमारी बुंडों की रुपाई हो, चाहे हमारे मंडवे की, आपका झुमेरी की रुपाई हो, या हमारे धान की रुपाई हो,
ये रुपाई करते थे, बॉल लगाते थे। अभी भी कई जगहों में, कुमाऊं में कई हिस्सों में इसका प्रचलन है। इसकी तिहाई होती है, तीन बार मारने के बाद वो तिहाई जैसे थाप दी जाती है। जैसे सपोज डेड है आपका, ब्रह्मा विष्णु महेश पांचों देव करिया रक्षा, उनेलो कुनेलो गढ़ को दुनेलो, हे ब्रह्मा विष्णु महेश यो मुरली मनोहर में जय किया जय हुनेलो। तो ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को जागृत करने के लिए कई लोक कलाकारों ने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित करा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से मैं लोक गायक लोक कलाकार गोपाल चमियाल अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ, और विगत 25 वर्षों से लोक संस्कृति के लिए कार्यरत हूँ। और आज नवरात्र के उपलक्ष्य में हम लोगों का हिंदू सेवा समिति के तत्वाधान में एक यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा। उस यात्रा में शरीक होने के लिए आए हैं, और इत्तेफाक से आप भी हमें मिल गए। बड़ी खुशी की बात है कि चलो आपने एक लोक संस्कृति को समझा और लोक कलाकारों को समझा, और अपने चैनल के माध्यम से लोक कला को उजागर करने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे जो उत्तराखंड है, चाहे हमारे यहाँ गोलजी रहते हैं, गंगना रहते हैं, एडी जी रहते हैं, हमारे भूमिया देवता रहते हैं, हमारे झांकड़ सैम रहते हैं, हमारे सैम राजा रहते हैं, और तमाम हमारी देवियाँ हैं, शक्तिपीठ हैं, कहीं हमारे पुण्यागिरी है, हमारे गंगोली हाट की काली मैया है जो शक्तिपीठ हैं, और आपके माँ बाराही है आपके उधर चंपावत में जहाँ बगवाल होता है, पत्थर युद्ध होता है। तो ऐसी देवी में हमारा जन्म हुआ है। भाग्य है मैडम जी कि क्यों हमारा जन्म पहाड़ में हुआ है। कोई ऐसा जन्म हमारा पुनर्जन्म में, हमारे पूर्वज लोग पहले भी कहते थे हमारा मरना भी यहीं रहे और हमारा जब जन्म भी हो तो इसी पहाड़ में हो। तो इस पहाड़ के लिए कई सैलानी, कई अनारई बाहर से आ रहे हैं और हमारी लोक कला है, लोक परंपराएं, लोक साहित्य है, उसको यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस पे बहुत संज्ञान, मतलब बहुत गहन तरीके से इसमें अध्ययन कर रहे हैं, थीसिस हो रही है इसमें। और भारत सरकार भी हमारे जैसे अल्मोड़ा की ऐपण है, ऐपणों का को बढ़ावा दे रही है, हमारे यहाँ की जो लोक कला है वो लोक कला को आगे बढ़ा रही है। तो कई चीज़ें हैं। तो अल्मोड़ा का तो अपना इतिहास रहा है, तो अल्मोड़ा का तो अपना लोक एक परंपरा है, इस सांस्कृतिक नगरी है अल्मोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे संस्कृति के रंग बिखेरे जाते हैं। जी, और हमारे भाई ने इतना अच्छा बताया हमको इस कला के बारे में, एक कलाकार ही इसको अच्छी तरह से बता सकता है, मैं तो उतनी अच्छी तरीके से बता भी नहीं पाती आपको। तो मुझे सौभाग्य से भैया मिल गए और इन्होंने बता दिया, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति दूर दूर तक फैले, तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी संस्कृति। जी, थैंक यू। क्योंकि जैसे अभी मेरी वाइफ ने इसमें अर्पण किया ना, ये जो कला है ये अर्पण है, ये इसमें भी कला है, इसमें भी कला है। जी हाँ, अर्पण है, तो अर्पण का अपना महत्व है। आज अर्पण का इतना क्रेज हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपन ने अपनी एक जगह पकड़ ली है। तो इसमें कई कई जो हमारे कलाकार हैं, तो उन कलाकारों को इसमें जगह मिल रही है, तो उनको एक मंच मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और शुक्रगुजार करूँ। आपके चैनल का शुभ नाम क्या हुआ? नीति शाह वीडियोस है। हाँ, रोज ब्लॉग अपडेट करती हूँ, तो देखिएगा आप मेरे चैनल में। क्या बात है। हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि हमारे वहाँ नवरात्रि के पहले दिन कितनी चहल पहल थी। कभी हिंदू सेवा समिति ने जुलूस निकाला था और दूर दूर से कलाकार आए थे, और कलाकारों में से एक ने तो मुझे हुड़के के बारे में बताया, जो कि हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है। मुझे भी उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चे मंदिर में आए हुए थे, वो भजन कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छे भजन कर रहे थे। तो हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कभी कुछ, और जैसे जैसे जुलूस आता था मैं फटाफट कैमरा लेके भागती थी बाहर को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को दूर दूर तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। ब्लॉग में मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।